तो गाइस वीडियो देख लिया। वीडियो को बनाना कैसे, तो सबसे पहले अपना जो भी है यहाँ पर ब्लैक कलर का ले लेना है मीडिया से जाके, और उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेना है, जैसे मैं लिख लेता हूँ काइन मास्टर। जैसे आप लिरिक्स वीडियो बनाते हैं तो आप लिरिक्स भी लिख सकते हैं इसमें, मतलब कि गाने का नाम जो भी सॉन्ग में बजता है। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ काइन मास्टर, और इसी तरह से हम बना लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट डालना है, तो फॉन्ट ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख लेते हैं और काफ़ी फॉन्ट है, तो फॉन्ट यहाँ पर देख लेना है, और ये मेरे को सही लग रहा है तो ये इस फॉन्ट को मैं ले लेता हूँ। उसके बाद सेम इसको छोटा कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको फिर से देख लेते हैं यार फॉन्ट, और उसके बाद सही है। उसके बाद इन एनिमेशन में इस तरह से करेंगे और इसको यहाँ पर कर देंगे 01। उसके बाद इसको फिर से यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको हम जो है कट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है तो अपने हिसाब से कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पर हमें अब आउट एनिमेशन देना है। आउट एनिमेशन में इस तरह से हम दे सकते हैं। उसके बाद इसको भी ऐसे कर देते हैं। उसके बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा, चला के आप रिप्ले करके देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो है हम डुप्लीकेट करेंगे, तो यहाँ पर जाके और डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद इसको जो है हम कोई सा भी आप लिरिक्स लिखना चाहते हो तो कोई सा भी आप यहाँ पर लिरिक्स लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ लिरिक्स, ओके। आप अपने गाने के हिसाब से लिखिएगा, मैं एग्जांपल लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से हो गया। उसके बाद फिर इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे और एक वीडियो का बना लेंगे रिलीज लेयर लीक। तो गाइस एक नया और बना लेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट करके एक और यहाँ पर लिख देते हैं। आप अपने वीडियो के हिसाब से लिखना, मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ इसमें, तो मैं इसमें डाल देता हूँ वीडियो। ऐसा करके आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं डुप्लीकेट करके, और इसको इस तरह कर देना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर प्ले करके देख लेना है, तो इस तरह से आपको आएगा लिरिक्स में। अभी आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट अपने हिसाब से कर लेना है। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद आपको इस तरह से जाना है। तो अब आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, नोड वीडियो। नोड वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। पहले इसको एक्सपोर्ट होने देते हैं, तो एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे नोड वीडियो में, तो नोड वीडियो आपको प्ले स्टोर पर मिल ही जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर न्यू पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी रेशियो है उसके बाद ले लेना। उसके बाद मीडिया पे जाना है और वीडियो पे, तो आपको जो भी गैलरी में सेव हुआ रहेगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ले लेना है इस वीडियो को। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर आपको ग्लो लिखना है, और ग्लो लिखने के बाद यहाँ पर आपको फिर से मैं लिख देता हूँ ग्लो। तो मैं ग्लो लिखता हूँ, और ग्लो लिखने के बाद यहाँ पर सर्च आएगा ग्लो स्कैन। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर देना। उसके बाद यहाँ वाइट है, तो वाइट पे क्लिक करके आप कोई सा भी यहाँ से ग्लो कर लेना है कलर में। तो मैं कलर में कर देता हूँ, तो मैं इस तरह का कलर दे देता हूँ। उसके बाद इसको इतना कर लेना है ऊपर वाले को लिमिनस के, उसके बाद रेडियस को इतना कर लेना है, उसके बाद सेंसिटिविटी को इतना कर लेना है, और इंसेंसिटी को मतलब आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं इसमें से। उसके बाद इंसेंसिटी को इतना कर लेना है ताकि ये अच्छा ग्लो दिखे। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है और प्ले करके आप देख सकते हैं नीचे में। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा SSS स्टोर। उसके बाद यहाँ पर आपको रेन ड्रॉप में आपको जाना है, तो यहाँ पर नेचर में क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर रेन ड्रॉप मिल जाएगा। तो रेन ड्रॉप में यहाँ पर सभी पर टिक कर लेना है। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर सभी को टिक कर लेते हैं हम। उसके बाद
देख लो यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर 1x1 है, तो इसको आप यहाँ से बढ़ा सकते हो स्ट्रेंज को, बस इतना ही करना है आपको। और इसको बढ़ाना मत, ये ब्लर वाला है, इसको 0 ही रखना। उसके बाद ये अपना काम हो जाता है, ये आपका काम हो गया। अब आप इसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो गाइस एक्सपोर्ट होने ही वाला है और हो गया, और इस तरह से आपको दिखेगा।